हेलो माय प्रीटी लेडीज आउट देयर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अति स्पार्कलिंग। तो आज का वीडियो मेरे चैनल पे होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम फिल्मिंग अ फर्स्ट मिंत्रा हॉल वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्मार्ट, बहुत एलिगेंट कुर्ताज और कुर्ता सेट्स फॉर ऑफिस वेयर, फॉर प्रोफेशनल वेयर, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और सारे के सारे पीसीज अपने आप में डिफरेंट है एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट। और उससे बड़ी खुशी की बात ये है कि सारे के सारे कुर्ता सेट्स बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। तो चलिए ज़्यादा देर किए हुए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ये है मेरी डायरी जिसके अंदर मैंने सारे इनिशियल, सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं कुर्ते के। तो आज मेरे पास हैं 5 कुर्ता सेट्स, सारे के सारे मिंत्रा से हैं। तो चलते हैं फर्स्ट कुर्ते की ओर, आइए मेरे साथ। तो फर्स्ट कुर्ता जो मैंने मंगाया है वो है अनन्या से। ये देखिए, इट इज़ अ पैक ऑफ 2 विच इज़ हैविंग अ कुर्ता एंड दिस ट्राउज़र। ये अनन्या से मंगाया है, इसका फैब्रिक है कॉटन ब्लेंड और मैंने ये मंगाया है मीडियम में और इसका प्राइस है 1177, जिसमें मुझे ये बहुत अच्छी डील लगी। स्लीवलेस कुर्ता है, स्ट्रेट एकदम, और इसका नेक देखिए, नेक इस तरीके से वी है और नेक के ऊपर ही क्रोशे वाली लेस लगी हुई है। बाकी इट इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, स्लीवलेस। और इसके साथ मिलता है हमें ये ट्राउज़र, ट्राउज़र के बॉटम में भी इस तरीके का लेस है। और जब आप हाँ इस कुर्ते को ट्राई ऑन में देखेंगे ना, आई एम 100% श्योर आपको ये कुर्ता बहुत पसंद आने वाला है। यस, तो अब बारी आती है सेकेंड कुर्ते की, जो कि है अगेन दिस सिंपल येट एलिगेंट कुर्ता, जो कि मैंने मंगाया है आसिया से। और ये भी पैक ऑफ 2 है ट्राउज़र और ये है इसका कुर्ता। तो इसका फैब्रिक है रेयॉन, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल। और ये ना वैसा वाले स्टफ़ है कि जिसको आप पहनते हैं तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है ना, तो समर्स के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस कुर्ते में बहुत स्टाइल है। जैसे पहले वाला हमारा थोड़ा सिंपल था ना, ये कुर्ता देखिए, एक तो है ये कॉलर वाला, ठीक है, इसके कॉलर्स हैं और ये जो 3 बटन्स हैं यहाँ पे, ये ओपन नहीं हो सकते, अनडिटैचेबल बटन्स हैं। और साथ में ही इसकी जो स्लीव है वो बेल्ट स्लीव है, बहुत अच्छी लगती है इस कुर्ते के साथ। और ये है इसका ट्राउज़र, ट्राउज़र भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको टाइट लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ट्राउज़र में ना नीचे की तरफ इस तरीके से कट है। और ये कुर्ता मैंने लिया है आसिया से मीडियम में ही और जिसका प्राइस है 874। कैन यू ट्रस्ट इट गाइज, ये कुर्ता विच इज़ अ पैक ऑफ 2 कंप्लीट सेट है, इतना एलिगेंट, इतना ब्यूटीफुल और स्टफ भी बहुत अच्छा है, जो कि है सिर्फ 874 में। तो मुझे तो लगता है ये आपको पक्का लेना चाहिए। बाकी आई नो ट्राई ऑन में इसको देखकर तो आप इसे पक्का लेने वाले हैं या फिर इस कुर्ते के बारे में एक बार और सोचने वाले हैं कि आप इसे लेंगे या नहीं। सो दिस इज़ द सेकेंड वन, चलिए देखते हैं इसका ट्राई ऑन। अब आते हैं हम अपने थर्ड कुर्ते की तरफ, जो कि है कालिनी से, लेवेंडर एंड वाइट कलर में। ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कुर्ता, बहुत कंफर्टेबल एंड वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस समर्स। कालिनी से मैंने ये कुर्ता लिया है सिर्फ 999 में, 999 में। ये भी मैंने मीडियम लिया है, लेकिन इट इज़ अ सेट ऑफ
3 जिसके साथ हमें दुपट्टा भी मिल रहा है। ओके, तो ये देखिए, ये है इसका कुर्ता, किस तरह से वी नेक है, और यहाँ पर नेक में ना इसमें पाइप्स लगे हुए हैं, पाइप वाला वर्क, और छोटे छोटे सितारे बीच बीच में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है कुर्ता, ये है इसकी स्लीव, स्लीव में लास्ट में ये वाला लेस है, और नीचे कुर्ते में भी ये वाला लेस है। बहुत ब्यूटीफुल, पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। ये हो गया इसका कुर्ता। दिस इज़ दुपट्टा, दुपट्टा भी एकदम प्योर कॉटन है और फुल लेंथ है, लेंथ बहुत अच्छी है दुपट्टे की। ये है इसका दुपट्टा। अब हम आते हैं इसके बॉटम की तरफ। इसमें जो बॉटम है ना, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ अफगानी सलवार टाइप्स, इलास्टिक, और नीचे से देखिए ऐसे अफगानी सलवार है, और ये ही है इसकी USP। सिर्फ इस सलवार की वजह से ही ये कुर्ता बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लगा है। हालांकि मुझे सारे ही पसंद आए हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने 999 का लिया था, अगेन अ मीडियम साइज, एंड द मटेरियल इज प्योर कॉटन। और जो एक बार ट्राई ऑन कीजिए, आपको लुक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो द सेकेंड लास्ट कुर्ता ऑफ दिस हॉल इज फ्रॉम ऑनुक, अगैन लेवेंडर कलर, पर ये वाला कुर्ता है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। पहले मैं सोच रही थी मैं ये कुर्ता लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, और जब मैंने इसको मंगाया ना, तो मैंने स्मॉल साइज मंगाया, जिसमें इसका फिटिंग थोड़ा ठीक नहीं आया, तो मैंने इसको चेंज करने के लिए सोचा। लेकिन जब मैंने इसका साइज एक बार चेंज करके मंगाया मीडियम, तो मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। बहुत स्मार्ट है, थोड़ा डिफरेंट है, अंगराखा स्टाइल टाइप्स है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे डिफरेंट पीसीज आपके पास होने चाहिए। मेरे बार बार इसके बॉटम नीचे गिरते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। ये देखिए, ये एकदम ओपन है, जैकेट टाइप्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्लीव्स पे आते हैं। इस तरीके की स्लीव्स हैं, नीचे इस तरीके से बंद, जैसे अफगानी सलवार होती है ना, इस तरह से अफगानी स्लीव्स हैं। अब मुझे क्या कहते हैं स्लीव्स को नहीं पता, पर बहुत अच्छी है। इस तरीके से एकदम जैकेट टाइप कुर्ता है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरफ ये है एक लेस, ये है एक डोरी, जिसको आपको टाई करना है इसके साथ, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टाई कर लिया इस तरीके से, अब ये आपका टाई हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसके साथ है ये सेकेंड डोरी, ये तो अंदर टाई कर ली, ये बाहर की तरफ डोरी जो कि टाई होगी। इसके पीछे एक और डोरी है यहाँ पर, तो आप इस अंदर और बाहर की डोरी को अपने बॉडी टाइप और आपको जितना टाइट या लूज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको टाई कर सकते हैं। तो ये है इस कुर्ते का पैटर्न, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभार ना ऐसा डिफरेंट पहनना चाहिए, और आप भी ट्राई ऑन में देखेंगे तो आपको इसका डिज़ाइन समझ में आएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एक मिनट, मैं इसका बॉटम उठा लूँ। ये है इसका बॉटम, ठीक है। इसका बॉटम ऐसे है जैसे हमारे पहले प्लाजोज आते थे ना, ऊपर से टाइट और नीचे से एकदम फ्लेयर टाइप्स, ये उस तरीके के हैं, और बहुत कंफर्टेबल। इसका मटेरियल भी रेयन है, एंड द प्राइस इज 1369। आई नो आपको शायद ट्राई ऑन के बाद समझ में आएगा कि 1369 इज वर्थ फॉर दिस डिफरेंट स्टाइल कुर्ता, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कॉमनली अपने आसपास कोई पहनता हुआ दिखेगा। तो मैंने तो ये रख लिया, आप ट्राई ऑन के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये मंगाना है या नहीं।
Now guys, it is a time to see the last kurta of this haul, जो कि सिर्फ कुर्ता है, उसके साथ बॉटम नहीं है। दिखाती हूँ आपको। तो गाइज, ये है हमारा लास्ट कुर्ता, कॉटन, प्योर कॉटन। ये मैंने वेरांगा से मंगाया है। ये देखिए, इस तरीके से वी और इस तरीके से चल रहा है ना आजकल, जिसको हम नायरा कट नहीं वी और इस तरीके से चलता है ना, ये इस तरीके से है। और ये जो लगा हुआ है ना, इट इज़ अ सीक्वेंस वर्क, जो कि सीक्वेंस लगा हुआ है। प्योर कॉटन है और सिर्फ कुर्ता है, फुल लेंथ, स्लीव्स मोर देन 3/4। तो ये है कुर्ता, जो कि है 999 का। सो गाइज, ये था आज का मिंत्रा हॉल। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको इनमें से बेस्ट कौन सा लगा, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी आगे आगे इस तरीके की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिए, एंड ऑलवेज गिव योर लव टू अति स्पार्कलिंग। बाय, लव यू ऑल।